हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम्स. स्टूडेंट्स, आई एम चंचल, योर इंग्लिश टीचर. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर लेसन नाउंस. वी वर डूइंग आवर ग्रामर्स वेरी फर्स्ट लेसन नाउंस, एंड टुडे वी विल कम टू नो अबाउट सिंगुलर और प्लूरल नाउंस. लेट्स हैव अ लुक ऑन पेज नंबर 7, कॉलम नंबर 12. सब नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन प्लूरल. कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो नॉर्मली हम प्लूरल में ही यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, ग्लासेस, जीन्स, पजामास, सीजर्स, शूज, स्पेक्टिकल्स, सॉक्स, थैंक्स, ट्राउजर्स. देखो बेटे, इन नाउन्स को हम अक्सर ही एस के साथ ही, मतलब प्लूरल में ही यूज़ करते हैं. वेयर आर माई पजामास, तो हम इसको प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ करते हैं. इनसे अगर हम एस हटाएंगे तो ये मतलब प्लूरल नाउन नहीं कहलाएगा. पॉइंट 13 इज सम नाउन्स एंडिंग इन एस आर नॉट यूजुअली प्लूरल. लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका एंड तो एस से होता है लेकिन वो प्लूरल नहीं होते, वो सिंगुलर में ही काउंट होते हैं. जैसे एथलेटिक्स, जिमनेटिक्स, मैथमेटिक्स, फॉर ये आपके सब्जेक्ट हैं और ये गेम्स के नेम हैं. इकोनॉमिक्स, इनिंग्स, न्यूज़, तो हम न्यू नहीं बोलते हैं इसको, न्यूज़ ही बोलते हैं हमेशा. तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर इनके पीछे एस लगाए तो ये प्लूरल ही होंगे. एथलेटिक इन हिज फेवरेट्स इज हिज अ फेवरेट स्पोर्ट. मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. द न्यूज़ इज़ करेक्ट. ओके, नाउ कॉलम नंबर 14. सम नाउन्स दो सिंगुलर इन फॉर्म आर ऑफन ट्रीटेड एज प्लूरल. कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर होते हैं लेकिन उनको हम प्लूरल के तौर पे यूज़ करते हैं. कैटल, तो कैटल हम एक, कैटल क्या है, एक सिंगुलर नाउन लग रहा है क्योंकि इसमें एस नहीं लगा हुआ, लेकिन हम इसको प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं. पीपल, पुलिस, पुलिस के लिए भी, मतलब किसी एक आदमी को हम आदमी के लिए यूज़ नहीं करते क्योंकि वो पुलिस है, बल्कि पूरी फोर्स के लिए यूज़ करते हैं, पुलिस फोर्स. कॉलम 15, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर. कुछ नाउन्स हमेशा सिंगुलर में ही यूज़ होते हैं. क्लॉथिंग, फर्नीचर, ज्वेलरी, मशीनरी, इनके पीछे एस नहीं यूज़ होता. क्रॉकरी, इंफॉर्मेशन, लगेज. पोइट्री, पोइट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ लिटरेचर. द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ चार्मिंग. हर ज्वेलरी इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव. तो ज्वेलरी है, हम ज्वेलरी को ज्वेलरीज नहीं बोलेंगे, ज्वेलरी में ही सारी ज्वेलरी आ गई है. कॉलम 16, सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म इन द प्लूरल एज इन द सिंगुलर. कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल और सिंगुलर दोनों में सेम फॉर्म ही यूज़ होता है. अ डियर वॉज रनिंग, टू डियर वर रनिंग. देखो, डियर है जो वो अ के लिए अ भी यूज़ हो गया, उसमें टू भी यूज़ हो गया. एक डियर, टू, दो डियर, दोनों के लिए सेम वर्ड ही यूज़ हुआ. दिस इज़ अ शीप, दीज आर शीप. तो शीप भी है जो वो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है. Sometimes nouns expressing number remain unchanged in the plural. कभी कभी जो nouns होते हैं जब numbers express करते हैं तो तब भी वो unchanged ही रह जाते हैं. जैसे the stranger bought 200 words, 5 dozen pens. However, it is correct to say the stranger bought hundreds of words, I bought dozens of pens. तो हम इनको सिंगुलर और प्लूरल दोनों में भी चेंज कर सकते हैं और इनको अनचेंज भी रख सकते हैं. आई होप आपको अच्छे से ये पॉइंट समझ आया होगा. तो आपको ये एक्सरसाइज दी गई है, एक्सरसाइज 6, चूज़ द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स. आपको चूज़ करने हैं सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स. ओके बेटे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.